और बड़ी खबर, पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर बीजेपी सांसद आज धरना देंगे। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना देंगे बीजेपी सांसद। सुबह 11 बजे पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के विरोध में मौन धरने का आयोजन है बीजेपी की ओर से, जिसमें बीजेपी के सभी सांसद हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली से चेन्नई तक सियासत तेज हो गई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस घटना को लेकर जुबानी जंग जारी है। बीजेपी इसे कांग्रेस की साजिश बता रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर पॉलिटिकल स्टंट का आरोप लगा रही है। घटना के अगले ही दिन देश के तकरीबन हर हिस्से में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने विशेष पूजा अर्चना की। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री जी सुरक्षित है, वो दीर्घायु हो, लगातार देश का नेतृत्व करें, दुनिया को दिशा दिखाएं। और आज हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग मंदिरों में महामृत्युंजय जाप हो रहा है, प्रधानमंत्री जी की स्वस्थ जीवन के लिए कामना कर रहे हैं लोग। और हम ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि दें। तो गुवाहाटी में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी के लंबी उम्र की कामना करते हुए विशेष पूजा। इस पूरे मामले के 24 घंटे के बाद सोनिया गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने चन्नी से कहा कि पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही। वहीं चन्नी ने सोनिया गांधी को बताया कि इस मामले में जांच कमेटी बैठा दी गई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर रहे हैं। सोनिया गांधी और सीएम चन्नी के बीच बातचीत के फौरन बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी आलाकमान पर सवाल खड़े किए। अब चन्नी कह रहे हैं कि उन्होंने उच्च स्तरीय एक जांच गठित कर दिया, उस जांच में कितना सोनिया जी के कहने पे और इस बात का स्वीकरण कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया पंजाब के कांग्रेस के नेता ने कि उनकी सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है। तो जो सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है और आज वो जांच कर रही है, क्या उसी रिमोट कंट्रोल के आधार पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग की गई? ये बहुत ही एक नेचुरल सा सवाल है। फिर एक सवाल ये भी बनता है कि विरोधाभास सामने आ रहे हैं बयानों में। चन्नी कुछ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं, सोनिया गांधी की तरफ से कहलवाया जा रहा है कि ये गंभीर मामला है, प्रधानमंत्री देश का। आप ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी कह रही है मामला गंभीर है, चन्नी कह रहे हैं मामला गंभीर नहीं है। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि ये सब प्लांट है और राजनीति। सोनिया जी भी जागी कब? 24 घंटे उनका संगठन, उनकी पार्टी जश्न मना रही थी उसके बाद। क्यों? क्योंकि देश भर में एक आक्रोश है, इसलिए जागी ना, मजबूरन उनकी आत्मा जागी, चिंता जागी। ये कोई एक नेचुरल स्वयं से अनुभूति नहीं हुई। नहीं, स्मृति ईरानी ने पंजाब की पूरी मशीनरी को भी कटघरे में खड़ा किया। मैम, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में गंभीर चूक होती है और राजनीति शुरू हो जाती है। सोनिया गांधी का बयान चन्नी की तरफ से आया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक और उनकी सुरक्षा को भंग करना ही राजनीति। उसके बाद जिस तरीके से सोनिया गांधी अकस्मात भंग नहीं हुई, जानबूझकर कांग्रेस की सरकार ने भंग की। बड़ा आरोप है कि ये जानबूझकर भंग की गई सुरक्षा है। बिल्कुल आरोप है और इस आरोप में तथ्य है। डीजीपी पंजाब ने कहा था सिक्योरिटी डिटेल को प्रधानमंत्री की कि रूट पूरा क्लियर है। डीजीपी पंजाब ने क्यों झूठ बोला? 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का कैवलकेड एक्सपोज था, सिक्योरिटी भंग हुई। क्यों वहां पर पंजाब की सरकार ने, प्रशासन ने मदद नहीं की? क्यों कांग्रेस के आलाकमान और नेताओं ने जश्न मनाया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई है? मैं ये कहना चाहती हूं कि लोगों को किसने जानकारी दी पंजाब सरकार से कि प्रधानमंत्री उस वक्त कहां उपस्थित होंगे? उस वक्त की मूवमेंट सिर्फ वहां के लोकल प्रशासन को, लोकल सरकार को पता थी।
बीजेपी के एक और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने न केवल इस घटना को साजिश बताया बल्कि इसे आतंकवाद और पाकिस्तान से भी जोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस वहां कुर्सी गिन रही है, देश उनकी करतूत गिन रहा है। और जिस तरह से एक जानबूझ कर की गई आपराधिक साजिश पर अहंकारी कुतर्क दिए जा रहे हैं, आपराधिक करतूत पर अहंकारी कुतर्क देने की कोशिश हो रही है, उससे ये अपने गुनाह से ये बच नहीं सकते। आप एक देश के केवल प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि विश्व में एक ऐसे लीडर के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र की भी गंध आ रही है जो कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, जिनके नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जिनके नेतृत्व में हिंदुस्तान में से आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है, और वही नहीं पूरी दुनिया जिन्हें विश्व में शांति का नायक के रूप में देखती है, आप उनके खिलाफ एक साजिश की षड्यंत्र को जो है वो आप लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस की ओर से भी जवाब आया और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी एक घिनौनी राजनीति कर रही है भाई, कहाँ कमी रही, कहाँ त्रुटि हुई, किससे हुई, यह जांच तो सरकार ही कराएगी ना। मान लो जांच एसपीजी की होनी हो या गृह मंत्रालय की होनी हो तो क्या पाकिस्तान से कराएंगे? देश ही में तो एजेंसी बनेगी, सरकार ही बनाएगी, तो ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? क्या इन्हें सरकार कैसे चलती नहीं मालूम? जिस तरह से एक इवेंट मैनेजमेंट की जा रही है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा इस देश के एक एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है।